हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं गाइस एंड गर्ल्स? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ आपके दूसरे कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में, जो कि ifactner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स का हिस्सा है। गाइस एंड गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के, कंप्यूटर नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आप अगर सब कोई पूछे कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या टाइप हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को आप डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि मसलन कंप्यूटर नेटवर्क एक घर के अंदर भी हो सकता है, एक बिजनेस का भी कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, एक स्कूल का कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन एक तरीके से, जिस तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। जी हाँ, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लैन, मैन और वैन। तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो होता है लैन, उससे बड़े को मैन कहते हैं और सबसे बड़े को वैन कहते हैं। तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो उससे थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क या लैन किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क की जो हो सकती है वो है आपके घर के अंदर जो नेटवर्क है। लेट सपोज आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपके डैड के पास टैबलेट पीसी है, और आपके भाई के पास जो है वो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन अवेलेबल है। और जब आप इन सब कंप्यूटर्स को किसी खास पर्पस के लिए कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ही प्रिंटर है और वो हम सब लोगों ने शेयर करना है, तो जिस सोर्स को हमने शेयर करना है जो कि प्रिंटर है, तो आप लैपटॉप से भी उसको प्रिंट लेना चाह रहे हैं, टैबलेट से भी, और मोबाइल फोन से भी, और डेस्कटॉप से भी। तो आप डेस्कटॉप के साथ प्रिंटर को अटैच कर देते हैं और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं उनको आप अपने अगर वायरलेस कनेक्शन के जरिए या फिर केबल्स के जरिए अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सिंपल एग्जांपल आपकी हो जाएगी लैन की। इसके अलावा आप लैन के एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स या तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाते हैं या फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स डेटा शेयरिंग के लिए भी बना सकते हैं। लेट अस सपोज हमारा जो स्मार्ट टीवी है, हमारे पास इस तरह का टीवी कनेक्शन है कि हम अपने जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। तो इस रिकॉर्डर को हम अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने टैबलेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के जरिए, या फिर हम मोबाइल फोन के जरिए को भी अटैच कर सकते हैं इस रिकॉर्डर के जरिए। इस सूरत में हमने लैन बनाई जो है वो हमने बनाई है टू शेयर डाटा, और वो जो डाटा है वो आपकी मूवीज भी हो सकती हैं, आपके टीवी प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जो भी चीज आपने इस रिकॉर्डर में सेव की थी वो आप अपने लैन के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो लैन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो भी लैन को यूज करते हैं, और लैन आप ये समझ लें
यूजुअली एक ही बिल्डिंग के अंदर जो लोकल एरिया में आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं उसको हम लैन का नाम देते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि मैन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और ifactner.com को विजिट करें।